पश्चिम मध्य रेलवे जोन के भोपाल मंडल के एडीआरएम गौरव सिंह के खिलाफ नर्मदापुरम में दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है। एडीआरएम की करतूतों से परेशान महिला गुरुवार को पिपरिया पहुंची थी, जहां उसने अपने हाथ की नस काट ली। इसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर उसे वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने बयान लिए तो दुष्कर्म की कहानी सामने आ गई। महिला ने एडीआरएम पर नौकरी दिलाने और ट्रांसफर कराने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। महिला रेलवे में ही नौकरी करती है और आरोपी की सहकर्मी है। पीड़िता के मुताबिक नौकरी मिलने से पहले एडीआरएम उसका शोषण कर रहा है। बयानों के आधार पर पुलिस ने एडीआरएम के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में मामले को दर्ज कर लिया है। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है, जो कि मूल रूप से सागर का रहने वाला बताया गया है। आरोप है कि एडीआरएम ने महिला सहकर्मी को अनुकंपा नौकरी दिलाने के दौरान उसका शोषण किया। मार्च 2021 से वो पीड़िता के साथ शोषण कर रहा है। 2 माह पहले ही पीड़िता की शादी हरदा में हुई थी। वहीं शादी के बाद भी आरोपी उसे परेशान करता रहा। पीड़िता की उम्र करीब 26 वर्ष है, तो वहीं आरोपी 45 साल का बताया जाता है। देर रात महिला थाना प्रभारी सुरेखा निमोदा ने वन स्टॉप सेंटर जाकर उसके बयान दर्ज किए और इसी के आधार पर गौरव सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वहीं घटना से जुड़े एक मामले की शिकायत पीड़िता के पति ने भी आईजी नर्मदापुरम और हरदा एसपी से की थी, जिसमें उसने पीड़िता और एडीआरएम पर करीब 25 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया है। शादी के बाद भी पीड़िता एडीआरएम के संपर्क में थी। कुछ दिन पहले वो सोने चांदी के जेवर लेकर भोपाल आ गई थी। पति ने दोनों पर ही आरोप लगाते हुए बताया कि षड्यंत्र पूर्वक मेरी शादी उस लड़की से करवाई गई, इसके बाद मुझे धोखा दे दिया गया। पीड़िता के पिता रेलवे में नौकरी करते थे, जहां 2.5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है। वहीं मां की मृत्यु भी कोरोना काल में हो गई थी। 2021 में उसे अनुकंपा नौकरी लगी। एडीआरएम के संपर्क में होने के कारण उसका तबादला भोपाल से हरदा और फिर हरदा से भोपाल हुआ। इस मामले में पीड़िता के बयानों को लेकर भी फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं है। एडीआरएम गौरव सिंह ने बताया कि महिला कर्मचारी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं। मेरा उससे ऑफिशियल परिचय है। उस महिला और उसके पति के बीच आपसी तालमेल नहीं चल रहा था। उसने लिखित आवेदन देकर भोपाल वापस ट्रांसफर चाहा था। उसका पति उसके चरित्र पर शंका और नौकरी नहीं करने देने का दबाव बनाना था। वहीं पीड़िता को पिपरिया में आत्महत्या की कोशिश करने के दौरान पकड़ा गया था। काउंसलिंग में पीड़िता ने आरोप लगाए। घटनास्थल भोपाल की है, जहां 0 पर कायम कर डायरी भोपाल भेजी जाएगी। नर्मदापुरम में उसको एडमिट कराया गया। वहां से उसने अपने कथन अनुसार ये बताया कि एडीआरएम भोपाल है, उनके द्वारा उससे बलात्कार जैसी घटना हुआ है। 376 का अपराध संज्ञान में आया था, तो तत्काल पुलिस द्वारा संज्ञान लेते हुए 0 पे कायमी की गई। चूँकि घटनास्थल भोपाल का था, तो इस केस को भोपाल ट्रांसफर कर दिया गया है 0 पे कायमी करने के बाद। आरोपी एडीआरएम गौरव है।